लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बहुत सारे एग्जामों में इनसे यानी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का, ठीक है ना। तो हिंदी का वर्णमाला में देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये आपको बता देना मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भाषा और व्यंजन और स्वरों के विषय में मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन कराया है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक इस चैप्टर के बारे में समझ में आ सके। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला में हमें अध्ययन करना है आज कि स्वर ओठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है ना। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं, तो दो प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है ना। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्ध अवृत्त मुखी स्वर, ठीक है ना। अवृत्त मुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं यानी वृत्त के समान नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ए है, ऐ है, इनका उच्चारण करते समय क्या होता है, ओठ जो होता है गोलाकार नहीं होता है। उच्चारण करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा होता है वृत्त मुखी। वृत्त मुखी यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या वृत्त के समान होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ओठ वृत्त के समान हो जाए यानी कि गोलाकार हो जाए उन्हें हम वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। उसमें आ जाएगा अ, हम अ कहें ऊ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ओ, अ और आ, ये स्वर आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इसमें। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का अध्ययन करेंगे। कंसोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहेंगे, ठीक है ना। और स्क्रिप्शन में देखते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर जरूर मिला होता है, ठीक है ना। जैसे क है तो क का उच्चारण हम करते हैं तो क में अ आता है। जैसे क, क में अ आ रहा है ना, ख, ख का उच्चारण करते हैं तो ख में क्या होता है, अ आता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की टोटल संख्या 33 मानी जाती है। कितनी होती है, व्यंजनों की टोटल संख्या 33 होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हैं, निकलते हुए मुंह के किसी भाग से टकराए उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान देंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाला हवा मुंह के किसी विशेष भाग में टकराए उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन वर्ग निम्न प्रकार
प्रकार है, ठीक है ना। पहला जो है कौवर, कौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। याद रखेंगे कि कौवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है ना। चौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। चौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। तीसरा देखेंगे टौवर, टौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। टौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, मूर्धन्य होता है। उसके बाद देखेंगे टौवर, टौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत्य होता है। क्या होता है, दंत। यानी टौवर का उच्चारण करते हैं तो जो मुंह से निकलने वाली ध्वनिया है वो दांतों से क्या होती है, टकराती है। जैसे बोलते हैं त, त, थ, द, ठीक है ना। ये क्या होता है, दांतों से टकराता है, ठीक है ना। उसी तरह से आ जाएगा पावर, पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। यानी पावर का उच्चारण जब करते हैं तो ध्वनिया क्या होती है, ओठों से टकराती है। उसके बाद देखेंगे स्पर्श व्यंजन में पीछे से आगे जाने का क्रम क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में पीछे से आगे जाने का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। उसके बाद तालव्य से, ठीक है ना। उसके बाद मूर्धन्य से, मूर्धन्य के बाद दंत से, और दंत के बाद अंत में ओष्ठ से। तो इसका क्रम याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे जामों में इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण करने का क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। तो पहला होता है कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत, और दंत के बाद ओठ, ओठ यानी ओष्ठ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं घोषत्व के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का स्वतंत्र कंपन। यानी घोषत्व का अर्थ क्या होता है, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का स्वतंत्र कंपन को हम घोषत्व कहते हैं। चलिए इसके आधार पर देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में देखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो हर वर्ग का प्रथम, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन आते हैं। जितने भी वर्ग मैंने बताए हैं, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, और ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी पांच वर्ग मैंने बताया है, उन पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होते हैं क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है क्या होता है, सघोष व्यंजन होता है, ठीक है ना। सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, सघोष व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग हुआ, यदि क वर्ग लेते हैं तो इसमें ग, घ और अंग, इसमें ये क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणत्व का सबसे पहले तो प्राण का अर्थ यहाँ पे हवा से लिया जाना है, ठीक है ना। यानी मुंह से व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर यदि देखा जाए तो उसके आधार पर भी व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है ना। तो अल्प प्राण देखते हैं, अल्प प्राण किसे कहेंगे, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, ठीक है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। हर वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है और इसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान देंगे कि हर वर्ग का कह रहा है, यानी जितने भी वर्ग मैंने बताया है, पांच वर्ग मैंने बताया ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी के
जो पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन होगा वो अल्पप्राण होगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इसमें लिखते हैं महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकले उसे आप क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, ठीक है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकले, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लेंगे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाएगा, तो महाप्राण कहलाता है। हर वर्ग का कहलाएगा, ये पांचों वर्ग होते हैं ना, क से लेकर के प वर्ग।